अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज की वीडियो जो बहुत है वो स्पेशल है, क्योंकि उसमें मैं आपको कार्ड्स बनाना सिखाऊंगी जो मैंने अपने सिस्टर्स मतलब फैमिली के लिए बनाया है ईद के लिए। और अपने घर की जो डेकोरेशन की है, मतलब जब ईद आती है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें न्यू भी होती हैं, वो भी दिखाऊँगी। और एक स्पेशल रेसिपी भी दिखाऊँगी और अपनी ईदी भी दिखाऊँगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और आपने ये भी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक। सबसे पहले मैंने ये बनाया, इसके तरफ मैंने दो कलर्स के बीड्स यूज़ किए हैं और रेड एंड वाइट कलर का थीम है। फिर ईद मुबारक, बस मैंने इसका तो सिंपल सा ही किया, बस ईद मुबारक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये लिखा है चलो चलो ईद ही दे दो। तो ये है, बस यही किया है, चिपका हुआ है। और ये अभी मैंने थोड़े पक्के करने हैं, निकले जा रहे हैं दो तीन, आए ये भी थोड़े से निकल रहे हैं, तो इसे पक्का करेंगे। सेकेंड पर मैंने स्माइली सी बनाई है और ऊपर स्टिकी नोट्स भी यूज़ किए हैं और इसके पीछे लिख दिया है छोटा सा करके, क्योंकि मैंने ये बनाया था तो ये मैंने स्काई ब्लू कलर में बनाया। तो जो मैं तीसरा बना रही हूँ वो भी स्काई ब्लू कलर में है, तो अब वो आगे आप देखें। सो गाइस, सबसे पहले मैंने स्काई ब्लू कलर की शीट ली, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मैंने स्टिकी नोट लिया पिंक कलर का और उसे इस तरह फोर स्टिकी नोट्स लिए और उसे इस तरह अटैच कर दिए, ऊपर नीचे मैं ज़िगज़ैग में। फिर मैंने उसे अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि ग्लू अप हो जाए। और उसके ऊपर मैंने लिख दिया ईद मुबारक रिमल आपी, क्योंकि वो मेरी सिस्टर के लिए बनाई थी, तो मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है उनका नाम है रिमल आपी। तो फिर ये देखे मैंने इस तरह बना लिया। फिर मुझे खाली लग रहा था इस तरह, तो मैंने यहाँ पर एक स्टार बनाया। तो यहाँ इस मार्कर से मैंने बनाया तो मोटा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने सिंपल मार्कर से बना लिया और एक अटैच कर दिया हार्ट। सो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अब जो अगला है वो है पिंक, जो मैंने उसे हाफ हाफ कट किया और उसमें अगला मैंने कहा पिंक के साथ, जैसे कि डार्क पिंक अच्छा लगता है, मतलब ब्राइट अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसे हाफ इस तरह कट कर दिया और इसे उसके साथ अटैच कर दिया। इस तरह बहुत ही मज़े का लग रहा था, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक कलर। तो इसे मैंने ग्लू अप कर दिया और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने करना है, क्योंकि लाइन्स अगर टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो अच्छा नहीं लगते हैं। फिर यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा खाली लग रहा था, इसलिए मैंने हर्ट्स शेप की कट की और इसे फिर से ग्लू अप कर दिया इनको। और मैंने पूरे 5 कट किए थे और ये देखें ये पूरा कट हो गया। और फिर मैंने इसके ऊपर लिख दिया ईद मुबारक। तो ये पूरा इसी तरह इतना इजी सा बना। और दूसरी तरफ जिस तरह मैंने इसके दो पार्ट्स किए थे, इसलिए दूसरी तरफ मैंने इसे फोल्ड किया 2 टाइप्स में और इसकी शेप बना के इसको जैसे पार्टी की तरह करते हैं, तो मैंने रेनबो कलर में इसे वो कर दिया और ये पूरा कम्प्लीट हो गया। मैंने इसके ऊपर ईद मुबारक लिख दिया। गाइस, अब ये वाले कार्ड्स मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाया, अब मैं उन्हें दूँ। तो गाइस, अभी जो है ना मेरी मानी आई है, तो अब मैं उनसे मेहंदी लगवाने लगी हूँ। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि वो मेहंदी कैसी लगा रही है। तो यहाँ पर इतनी प्यारी मेरी मेहंदी लग रही थी और यहाँ पर मेहंदी भी लग रही थी साथ साथ, और लोग मेरी आपी को इतकाफ से, मतलब जो होता है इतकाफ से, जब उठी तो मिलने भी आ रहे थे बार बार। तो ये देखिए मेरी पूरी मेहंदी लग रही थी, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। आप लोग भी मुझे बताएं कि मेरी मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी है। तो अभी पूरी हो गई है मेहंदी, बस वो रह गई हैं फिंगर्स, बाकी ये वाली पूरी हो गई है। और ये तो अब ये मेरी मामा की है सबसे पहले मेहंदी, फिर ये मेरी अपनी है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई, और ये मेरी एक वन सिस्टर की है और ये मेरी सेकंड सिस्टर की है। तो ये हमने मेहंदी लगाई थी और ये जो हमारे सारे कज़न्स ने लगाई थी वो है, और मुझे बहुत ही मज़ा आया, आप लोग भी देख रहे होंगे इतनी ज़्यादा मेहंदी लगी। तो गाइस, अब मैं आपको अपने घर की थोड़ी सी तैयारियाँ दिखाती हूँ। अच्छा दी, ये जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ देख लें। तो अभी बुशरा सो रही थी तो मैंने उसके लिए बहुत छुप छुप के ना एक सरप्राइज़ तैयार किया है। तो ये सब कुछ देख लीजिए जो ईद की सुबह होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज करते हैं, बेडशीट कवर्स फ्लावर्स वगैरह हर चीज़। तो इतनी देर में ना मैंने उसका सरप्राइज़ बना के ना उसके बेड पर उसके पास रख दिया था। तो अब हम देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है।
चीजें मैं खोल के आपको दिखा दूंगी इसमें क्या क्या है। हाँ ये देखें, ये टॉप्स हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। वाओ, इसमें जो ये चूड़ी हैं गोल्डन कलर की, और ये भी पेन है एक जो मैं मंगवा रही थी तैयार। तो अगले में ये रेड बैंड है जो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो गाइस अब ये खोलते हैं। सो गाइस अब ना मेरी जो बहन है और मेरे पेरेंट्स जो है मुझे इटी देने लगे हैं, तो अब देखते हैं कितनी कितनी देंगे। ये ले मेरी बुशा, ये क्या सिर्फ 100? पहले आप चेक तो करें कितने हैं। 1 2 3 4 5। शाबाश, ये आपकी इटी हुई मामा की तरफ से। मुझे तो बहुत मजा आ गया, मामा ने तो दिल जीत लिया। थैंक यू बेटा, बहुत प्यारा कार्ड है। ओहो, चलो आप ईदी तो बनती है, तो बेटा मामा ने आपको ईदी दे दी है। तो मामा ने दिया, आपने नहीं देनी। तो मामा की ईदी और पापा की ईदी एक जैसी होती है, एक ही बात है। मेरे से मुझसे लाजमी लेनी है आपने जी। ये मेरी तरफ से मेरे बेटे को ईदी। थैंक यू, वेलकम। गाइस ये मुझे ईशा अप्पी ने दिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ही ईदी मिली। सो गाइस ये ईदी मेरी सबसे बड़ी वाली बहन ने दी है। थैंक यू सो मच। सो गाइस अब आप चना चाट की रेसिपी देखें। अच्छा जी, हमारे घर ना ईद के दिन चना चाट ज़रूर बनाई जाती है, तो इस दफ़ा ना मैं ब्लैक चनों की चाट बना रही हूँ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, डिफरेंट सी। तो इनको रात को भिगो दिया था और सुबह ऐसे ही उबलने रख दिया, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल, अगर आप सोडा डाल के भिगोएं लेकिन जब उबालें तो वो पानी वॉश कर दें और सादा रखें, तो बिल्कुल छिलके नहीं उतरते और ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। ये देखिए, अगर हम सोडे वाले पानी में रखते हैं ना तो चनों के छिलके उतर जाते हैं अलग से। तो ये इसकी एक टिप है कि पानी चेंज कर दें और फिर उसे सादा भी बॉयल कर लीजिए, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, आधे घंटे से भी पहले हो जाते हैं। उसके बाद आलू मैंने क्यूब्स में काट के ना, क्यूब्स में काटिए तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लगते हैं। उन्हें बॉयल कर लिया, अब सारी चीज़ें रेडी कर ली। इमली की चटनी मेरे पास थी जो मैंने आपको अपने चैनल पर बनानी सिखाई है रोज़ों में। अब ब्लैक चने बॉयल हो चुके हैं, उसके बाद इसकी असेंबलिंग करते हैं हम। हमने प्याज काट के रख लिए हैं, आलू क्यूब्स कट करके बॉयल कर लिए हैं, प्याज कट कर लिए हैं, हरी मिर्चें कट कर लिए हैं और उसके अलावा टमाटर को भी कट कर लिया, और इमली की चटनी हमारे पास है। अगर इमली की चटनी आपके पास ना हो तो इमली को बॉयल करके उसका गूदा रख लीजिए, अगर आप खट्टी बनाना चाहते हैं तो खट्टी बनाइए, मीठी बनाना चाहते हैं तो मीठी बना लीजिए। तो एक बड़ा सा बाउल लीजिए, उसके अंदर आपने उबले हुए चने डालने हैं, फिर आलू आपको जितने पसंद है उतने ऐड कीजिए। जब ये सारी चीज़ें रेडी करके आप रख लेंगे ना तो फ्रेश जल्दी से आप बना के किसी को भी दे सकते हैं। तो ये मीठी चटनी मेरे पास थी। अब उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, नमक, लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी टाटरी में डालती हूँ, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और कमर्शियल सी टेस्ट आ जाता है और पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ डाली है, और बड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। उसके बाद ये मीठी चटनी मैंने इसके अंदर ऐड की है। जो लोग खट्टी पसंद करते हैं ना, वो चीनी के बगैर भी इमली का पल्प इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें प्याज डालिए फ्रेश कटे हुए, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लीजिएगा, थोड़े से अंदर मिक्स कर लेंगे, और टमाटर और हरी मिर्चें फिर हम ऊपर से इसके अंदर ऐड करेंगे। अब 2 चम्मचों से आपने इसे इस तरह मिक्स करना है कि आलू के क्यूब्स खुल ना जाएं और टूट ना जाएं। तो कई घरों में ना आलू बिल्कुल टूट के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ईद वाले दिन ना आप ये ज़्यादा से बना के रख सकते हैं, कि ज़्यादा से बना के रख लें और जैसे जैसे जो कोई मेहमान आए आप थोड़ी थोड़ी सर्विंग उन्हें देते जाएँ, और ऊपर से गार्निशिंग प्याज टमाटर और हरी मिर्चें काट के आप अलग सेपरेट रख लें, ताकि हर बाउल के ऊपर आप सेपरेटली उसे डालते जाएँ। तो ये देखिए, टमाटर डालने से ना ये बड़ी रिफ्रेशिंग सी हो जाती है। इसके ऊपर टमाटर फ्रेश डालिए और उसके साथ हरी मिर्चें डाल दीजिए। अगर बच्चों को देना है तो हरी मिर्चें स्किप कर दीजिए। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होती है। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं,
कैसी लग रही है ये देखिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग और ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुई थी। नमक मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाले से इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है और ज़ीरा पाउडर मैंने भुना हुआ इसके अंदर डाला था, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।